रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सही। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर बाईपास के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टुकड़ी पर सोमवार को आतंकी हमले में दो जवान शहीद हो गए थे। वहीं डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के शैलेन प्रताप सिंह श्रीनगर आतंकी हमले में रायबरेली का जवान भी शहीद हो गया। सीआरपीएफ में तैनात रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र के अलहौरा निवासी शैलेन प्रताप सिंह पुत्र नरेंद्र प्रताप सिंह जो कि श्रीनगर हमले में शहीद हो गए। शैलेन्द्र सिंह 110 बटालियन में सिपाही पद पर तैनात थे, जिनका परिवार वर्तमान में रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के मलिकमऊ में निवास कर रहा है, जिनका एक छोटा बेटा है और तीन बहनें हैं, एक की हाल ही में अभी शादी होनी थी। खबर सुनकर घर में कोहराम मचा हुआ है, सबका रो रो कर बुरा हाल है और आज पार्थिव शरीर रायबरेली पहुंचेगा। क्या नाम है भैया? अमरजीत सिंह। क्या वो कौन थे आपके? हमारे साढ़ू। क्या नाम था? शैलेन प्रताप सिंह। कहाँ पे तैनात थे? वहीं जम्मू कश्मीर में। क्या हुआ, कैसे, क्या पता चला आपको? कोई मुठभेड़ हुई है, यही फोन आया था, कुछ मुठभेड़ में जो है उनको गोली लगी है, यही पता चला। कितने लड़के हैं इनके? एक लड़का है। कितने साल का है? करीब 7-8 साल का है। और कितने भाई थे? एक अकेला भाई।